डेफिनेट इंटीग्रल की ट्रिक 3, इस पे बेस ना 3-4 बार क्वेश्चन एनडीए में आया। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, 0 से π/2 dx अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस बी कॉस स्क्वायर x। अगर ऐसा लिखा तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है π/2 √ab। एक दो जरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस पे बेस्ड। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0 से π/2 तक dx अपॉन 4 sin² x प्लस 9 cos² x dx ऊपर चलो लिख दिया। देखो 0 से π/2 चल रहा है, a ये हो गया, b ये हो गया, तो क्या आएगा अपॉन π/2 √ab 4 × 9 4 9 कितना 36, तो π/2 × 6 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। सेकंड क्वेश्चन है, 0 से π/2 dx अपॉन 3 sin² x प्लस 2 cos² x। तो a ये हो गया, b हो गया, 0 से π/2 चल ही रहा है, π/2 √3 × 2। ठीक है, तो कितना हो गया π/2 √6 खत्म। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। देखो ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन को घुमा दिया, 0 से π ले गए इस बार क्वेश्चन, 4 sin² x प्लस 9 cos² x dx ये लिख। अब 0 से π तक पहुंचा दिया इसे। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इफ fx इज इक्वल्स टू f π − x देन 0 से π fx dx को क्या लिख सकते हैं, 2 times ऑफ 0 से π/2 fx dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब fx हमारे पास हो गया ये, fx कितना है हमारे पास 1/4 sin² x 9 cos² x जरा f π − x देखते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ π − x आ जाएगा, 4 sin π − x² प्लस 9 cos π − x² 1/sin 180 − θ साइन थीटा उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर, cos 180 − θ इज −cos θ लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही जाएगा, यानी क्या आ गया वापस fx ही आ गया। तो जो ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 times ऑफ 0 से π/2 dx अपॉन 4 sin² x प्लस 9 cos² x dx। अब इसका आंसर क्या लिखा जाए, 2 तो पहले से ही है, अब इसका देखो क्या लिखा जाता है, π/2 √ab यानी कि 4 × 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो π/ कितना हो गया 6। आंसर कितना आएगा हमारे पास, π/6।